जिहड़ा सिख वोट बैंक है अकाली दल कोलों खुस रहा है। जथेदार साहब का यह बयान सिख हल्कियां नूं प्रवान होएगा, अकाली दल का डैमेज कंट्रोल होएगा, की वेखदे हो कि जथेदार साहब का यह उलांभा देना भारत सरकार नूं? जथेदार साहब का कल्ला बयान जिहड़ा उह की करेगा? अकाली दल जिहड़ा उह भाईवाल दे नाल बैठा, एक दे बाद एक धक्का हुंदा स्टेट नाल तुरिया आ रिहा, ते अकाली दल उत्थे चुप चपीते जिहड़ा जिहड़ियां दो वोटां ने उत्थे उहनां दी फेवर च पा रिहा। जथेदार साहब दे बयान दी कोई कदर अकाली दल करेगा इस संदर्भ दे विच? ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, जो हालात बनी पई है टवाणा साहब, वह ना निकलती, जिहड़ा उत्थे 12 करोड़ रुपया खर्चे गया, वह ना खर्चन की जरूरत पैंदी। डेरा विवाद नूं लैके एक दूसरे ते दोष लग रहे हैं, डेरे का कहना कि असी एक सियासी पार्टी नूं सपोर्ट की थी, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। डेरा ते डेरे दे पिछे जिहड़े सियासतदान बैठे ने, वह जान बुझ के इस मसले नूं उलझाउणा चाहुंदे आ। डेरे वाले साध नूं जिहड़ा उह किसे ना किसे दिन जिहड़ा कोर्ट तों जिहड़ा प्रोडक्शन वारंट ते उहनूं रिमांड ते लियांदा जाएगा, बाकी कुछ नहीं होना, बाकी जिहड़े खिसक चुके आ उह खिसके रहणगे। जे प्रोपर लोक जो चाहुंदे ने, जे उह कैप्टन अमरिंदर सिंह कर गया ते कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने उत्ते लगे हुए दा जिहड़े धब्बे ने, मतलब उहनां दागां नूं धोण दी कोशिश जिहड़ी आ उह कर रिहा, उह च शायद कामयाब हो जावे। सत श्री अकाल, सलाम अर सारे देश विदेश के दानिशवान दर्शकों जो इस वक्त जुड़े ने अकाल चैनल के प्रोग्राम सच का सामना दे नाल। मैं थोड़ा दोस्त परमिंदर सिंह टिवाणा ते अपने नाल ने राजनीतिक मामलों के बाद ते वकालत नाल वावस्ता साहब सुरेंद्र सिंह जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, क्या बात है। तो अज के इस प्रोग्राम दे विच आपां चर्चा वख-वख विषयां ते करनी है, शुरुआत पंजाब तो राजस्थान भारत सियासत समाजिक सारोकारां ते गल करांगे। पंजाब तो शुरुआत करदे आं, पंज पाणियां दी धरती है ते पाणी च बंधाणी ज़्यादा ही पै रही है। जिस तरह सुरेंद्र सिंह जी सियासत है, एक पासे करोना नूं बीमारी तो महामारी बनाउण दी कोशिश दुनिया भर च हो रही है, सरकारां दी अपनी अपनी समस्यावां ने, सो करोना दे खाते करफ्यू पा के सारा कुछ किया जा रहा। जो हालात ने जे देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक रिपोर्ट हर साल जिहड़ी मीडिया की छपदी है, उस मुताबिक भारत 2010 दे विच जिहड़ा हैगा विश्व प्रेस की आज़ादी के मामले के 105वें रैंक ते सीगा, 110वें ते, जिहड़ा 142वें रैंक ते पहुँच गया। पाकिस्तान साढ़े नालों भी चार स्टैप अगे है, वो 145वें ते, हालांकि नेपाल 112वें ते, बंगलादेश भी साढ़े तो बेहतर है। पर इस करोना के दौरान जे देखा जाए तो 55 पत्रकारां ते परचे हुए ने कि तुसीं लोगां नूं गुमराह कर रहे हो, भाईचारक सांझां नूं तोड़ रहे हो। गल कि सरकारां दा हीज प्याज नंगा करन दी बना ते पहला अकाल चैनल ने भी चलिया, मैं भी चल रहा हां काफ़ी कुछ इस दौरान, तुसीं भी बड़ा कुछ चलिया, सच बोलना तो बहुत मुश्किल है। पर इस दौरान हुण करोना के कारण जिस तरह हालात बन रहे ने, कि 55 पत्रकारां ते परचे हो गए ने जिहड़े रिपोर्टिंग सही करदे सी भारत विच, 51 परचे तो यूपी गवर्नमेंट ने किए ने, बाकी जिहड़े गैर भाजपाई सरकारां ने घट वह भी नहीं हैगे, वह भी 4-4, 5-5 परचे हर स्टेट च होए ने, जिथे कांग्रेस जां होर खब्बे सज्जियां दीआं सरकारां ने। पर इस दौरान जे गल करिए पंजाब दे विच जिस तरह धरने बजारे मंगां नूं लैके होण लग पए सी, थोड़ा जिहा करोना वधिया जां गर्मी जां होर बीमारियां कारण अलामत इन्हीं दिनी वधदियां ने, वो करोना के खाते पाइया जा रही ने, तां जो सियासी जो तूफान उठ रहा है, धरने मुजारे जो हो रहे हैं, अकाली दल ने तो वापस ले लिया अपने धरने 15 दिन लई, ये सारे घटनाक्रम नूं तुसीं पंजाब दी सियासत नाल जोड़ के किदां वेखदे हो, जो ये करोना के दौरान फिर सख्ती हो रही है? जी सुरेंद्र टवाणा साहब, पहली गल तो यह है कि करोना के केस नहीं वधे, टेस्ट वध के, टेस्ट के नाल जिहड़े आ उह केस जिहड़े आ उह उजागर हो गए, कुदरती है, कुदरती सीगा। देखो जदों स्टार्टिंग कीती सी 100-200 केस तो इन्होंने की सी, करते करते वह 1000 तक आया, 1000 तो वह जिहड़ा सी 3000-4-5 तक आउंदा हुंदा, हुण डेली जिहड़ा 10000 जिहड़ा वह टेस्ट हो रहा, तो जिन्ना वधेगा उन्ने वो जिहड़े केस आ वह नैचुरली ज़्यादा आउणगे। हुण उहनूं की है कि सरकार दे कोले
किसी नूं देण लई कुछ नहीं है। जदों देण लई कुछ ना होवे, जदों जेब खाली होवे ते दाणे वी उहदे च ना होण, अपने खाण लई ना होण, ते गवांढियां नूं कित्थों देणे आ, ते कुदरती हुंदा उस टाइम आके इहो जिहे स्टैप जिहड़े उठाए जांदे आ। हुण उही कुछ पंजाब सरकार कर रही आ। पंजाब सरकार ने सोचिया कि इसे दे बिहाव दे उपर जिहड़ा कि एक वार पूरी जिहड़ी स्टेट आ उहदे ते जिहड़े धरने मजारे आ उहदे ते बैन ला दो। पहलां ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 50 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 30 ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਹਾਵ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਸੀਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ, ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਰਫਿਊ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ CBI ਕੋਲ ਕੇਸ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ MSP ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿੜਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਕਜ਼ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਮਿਤਾਭ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਾਤੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦਾ ਉਸ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੈਸਟਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰੁਕਵਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੁਕਵਾਉਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਜੋਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਤੀ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਆ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਫਸ ਗਿਆ, ਅੱਜ MSP ਆ, MSP ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? MSP ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਕਣਕ 1450 ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਭਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਸੌਂਪ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਪਈ ਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਭਾਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਜਾਂ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉੱਥੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਛੱਡੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਕਈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕੇਸ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦਾ ਤੋਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂਰੀ ਪਾਏਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ 23 ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਜੂਦ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹੇਗਾ, ਘਟਾਓ 'ਚ ਰਹੇਗਾ? ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। 1996 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ BSP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੱਡੀਆਂ, BSP 3 ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤੇ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਸੀਟਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਈਆਂ ਸੀ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀ, 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਆਇਆ, 97 'ਚ BSP ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ BSP ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰਦੀ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ BJP ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਰਡ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਸਿਰ ਕੱਢ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ BJP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿੱਤੇ BSP ਨਾਲ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ BJP ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BSP ਨਾਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਅਲਾਈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ BSP ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਬਚਦੀ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚੇਗੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਰੀਜਨਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਸਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟਾ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ।
टवाणा साहब ये कोई दो रै नहीं साध की ते सियासत की पहली गल तो इत्थे आ साध नूं स्वादां नाल की हाँ पर हुण तां साध ही स्वादां दे पट्टे स्वाद मैं सियासत की गल करा स्वादां नूं भी छड्डो सियासत की गल है भी 2007 दे विच कांग्रेस नूं पूरे मालवे दे विच वन साइडेड सपोर्ट दित्ती गई सी इसे करके अकाली दल विचारा आखिरी स्टेज के उत्ते जाके बिल्कुल लटक गया सीगा लकीर कढ़ के सरकार 2007 च बनी सी वह भी माझे ते दुआबे दे सिर ते बनी सी मालवा सारा अकाली दल दा जिहड़ा सी वह साफ कर दिता गया सीगा हुण गल तां इह आ कि तुसीं जे डेरा चलाउणा तुसीं साध पुणे च रहना ते फिर सियासत च क्यों आउंदे हो हुण बदकिस्मती सारे ही साध सियासत च आ रहे पहलां मतलब जिहड़ा डेरियां दा इतना रोल नहीं सीगा नहीं हैगा सी मैं दसदा नहीं मैं दसदा 1998 दी इलैक्शन च की होया टवाणा साहब 1998 च BSP एक बहुजन समाज मोर्चे नूं एक सीट दित्ती गई सी जिहड़ा BSP तों अलग होया सतनाम सिंह कैंत उहनूं दित्ती गई सीगी फलौर सीट ते आई के गुजराल नूं जलंधर सीट छड्डी गई सी ते उह ईवन के आई के गुजराल जनता दल यूनाइटेड दा सी लेकिन उन्होंने एक सीट छड्डी गई उस वेले की हुआ जी पटियाला सीट से कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेम सिंह चंदू माजरे से टक्कर सी उस वेले निरंकारियां दी वोटां लईआं गईआं जदों टोहड़ा साहब वाच पसे इत्थों तक के छतराणा सुनाम ते लहरा गागा तीन हलकियां च डेरे दे जिहड़े प्रेमी सी उन्हां अकाली दल नूं वोट पाई सी और इसे करके 38,000 वोटां दे मार्जन नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रेम सिंह चंदू माजरे तों हारिया सी मतलब वोटां तां पैंदियां ने इह नहीं है कि 2007 च पहली वार पईआं सी हर वार सीगा हुण तां मजबूरी बण गई मतलब मजबूरी आ जदों लालच हो गया तुसीं हुण वी छड्डो देखो जिहड़ा बर्फ च लग्गिया नूर महल वाला मतलब उन्दे समागम ते श्रीमती प्रनीत कौर नूं जाना पै रहा है चार राज MLA लैके जा रहे हो सरकारी चौपर च मतलब डेरे जाना मजबूरी बन रही है सियासतदाना दी मैं टवाणा साहब उत्थे आउण लगा हुण डेरा रौला पा रहा कि सानूं घसीटिया जा रहा टवाणा साहब गल की है कि देखो बेअदबी होई बेअदबी दे क्ल्यू मिल गए जदों क्ल्यू मिल गए किसी ने तो उहदे च आउणा ही सी अज आउणा सी कल आउणा सी तुसीं जिन्नी देर रोक सकदे सी तुसीं रोक लिया उन्नी देर तक लेकिन जदों तुसीं पकड़े गए उस वेले बचे तुसी किदां ते पकड़े किदां गए बचे इस करके कि CBI कोले सी इनक्वायरी CBI ने लटका के रखिया जदों स्टेट दी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने होर किसे केस दे विच जदों तुहानू ट्रेस कर लिया जदों पब्लिक दे सामने ले आंदे CBI नूं तुहानू उहदे च अरैसट पाउणी पैगी अरैसट वी किन्नियां दी तीन बंदियां दी पाई तिन्हां दे विचों एक दुनिया च रिहा नहीं दो अज हैगे ने जिन्हां नूं जमानत मिली उहदे बाद हालात टवाणा साहब की आ कि जिहड़ी CBI उह जदों क्लोजर रिपोर्ट पेश करदी आ जे उह चलान पेश कर दिंदी फिर भी कितें बच जांदा क्लोजर रिपोर्ट पेश कर रही आ सब तों वड्डी गल होम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ते CBI दोनों रल के पंजाब विधानसभा वालों जनानी मसली पास किए गए रेजुलेशन साइडलाइन कर रहे हैं जिदे उत्ते के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दिता कि यदि इनकुआरी जी पंजाब की एजेंसी करेगी ना कि CBI करेगी क्योंकि विधानसभा वालों ये जनानी मसली जोड़ा पास किया हो बाद उस अंगे फैसले के अंगेंस्ट जी CBI जी सुप्रीम कोर्ट चली गई सुप्रीम कोर्ट ने भी पंजाब सरकार की फेवर से 20 फरवरी 2020 फैसला देता जिदे उत्ते कार्रवाई करद्या होया इस स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उन्होंने अरैसट करके तो उन्होंने चलान जोड़ा से कोर्ट से पेश करता हुण रौला की दा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जी सुप्रीम कोर्ट तक CBI जी सुप्रीम कोर्ट तक हार चुकी है हुण उत्थे इन्हां रिव्यू पटीशन पाई आ रिव्यू पटीशन के उत्ते अजे तक ना किसी नूं नोटिस होया ते ना ही उहदे ते कोई कार्रवाई हुई आ ना कोई स्टे होया जे स्टे नहीं होया किसी नूं नोटिस नहीं होया तां फिर उहदे ते किस तरह तुसीं स्टेट की एजेंसी नूं रोक लोगे किते ना किते डेरा ते डेरे दे पिछे जिहड़े सियासतदान बैठे ने उह जाण बुझ के इस मसले नूं उलझाउणा चाहुंदे आ बेसिकली की आ कि जिन्ने को फस गए वह ठीक है बाकी जिस तरह डॉक्टर आदित्य अंसा वो पंचकूले च अजे तक वांटेड आ लेकिन मिलया नहीं उन्होंने एहदे च भी नहीं मिलना जिहड़े बाकी तिन्हां दे आपां नाम लए सी जिन्हां दे वारंटी इशू होए वह भी नहीं हाँ इन्ना जरूर है कि डेरे वाले साध नूं जिहड़ा वह किसी ना किसी दिन जिहड़ा कोर्ट तों जिहड़ा प्रोडक्शन वारंट ते उहनूं रिमांड ते लिआंदा जाएगा बाकी कुछ नहीं होना बाकी जिहड़े खिसक चुके आ वह खिसके रहणगे लेकिन जिहड़े अरैसट हो गए आ उहनां दे उत्ते अगे जिहड़ी आ फर्दर कार्रवाई 2022 दी इलैक्शन तक इस ते काफ़ी जिहड़ी आ सियासी डिवेलपमेंट हुंदी रहेगी हाँ कप्तान साहब ने एक वादा यह भी किया कि मैं इनू जांच नूं नेपरे लावांगा
नहीं वो मैं आज मैं ना कुदरती वीडियो देख रहा सी क्योंकि सुनील जाखड़ और आंदे बयान भी ने कहंदे सुखबीर दी तो पॉलिसी यही है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें माफ करूंगा। आज मैं टवाणा साहब कुदरती वीडियो देख रहा सी जी च गुटका साहब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तलवंडी साहब वो कहंदे इत्थों 20 किलोमीटर दूर आ तो मैं सौ खाना वो गुटका साहब भी पिछों किसी ने लिया के फड़ाया सुखजिंदर सिक्की कोल सी एमएलए सिक्की कोल सुखजिंदर सिंह सुखी रंधावा ही जकारे गजा रहा उ मैं उतो सारे की शक्ल देखता सी एक दो अपने यूनिवर्सिटी टाइम के मित्र वा जे बाद एम एल ए भी रहे वो भी नाल खड़े से मैं अच्छ सारिया तस्वीर वो बड़ी गौर न देख रहा है किड़े किड़े ये खड़े आ कि जी सहु खाते वो तो कहें कि जी आम आदमी पार्टी कहती है कि असी चार महीने च करा कर कहते मैं चार हफ्तिया लक तोड़ देंगा घर घर नौकरी दे देंगे सारा कुछ वो गुटका साहब हाथ से फड़िया वो सहु खाधी है पर जो भी है। देखो साढ़े अपने चरणजीत भुल्लर की रिपोर्ट भी सी 14,500 स्पोर्ट्स क्लबों ने एक तो करोना दौरान जिम बंद करते एक्सरसाइज वैसे नहीं कर देंगे स्मार्टफोन तो की देने से 14,000 क्लबों को दवानी नहीं दी सरकार ने है ना तो बंदा की कहो करू हालांकि धर्म के श्री कृष्ण जी वक्त मल युद्ध हुए सी गुरु साहबान ने जिहड़ा कुश्तियां दा सिलसिला शुरू किया शरीर का रिष्ट पुष्ट होना जरूरी है पर सरकार उस पासे तो काम ही नहीं करती पेंडू खेड क्लबों जिहड़ियां बनिया हुई सी 14,000 क्लबों ने उन्होंने कोई मतलब जिहड़ा खेड का समान तक नहीं मुहैया कराया सियासी तो सियासी कुछ ही खेड हो ही जा रही है कि इस डेरे नाल संबंधित जिहड़ा विवाद है हाल की घड़ी कि पट उपर पै रहा है। हाँ टवाणा साहब सब तो वड्डी गल तो यह आ कि जिहड़ा बेअदबी आ तीन अलग अलग इंसीडेंट आ तीसरे नूं छड्ड लो मैं तीसरे नूं अलग जिहड़ा बुरजवार सिंह वाला महाराज दा सरूप चोरी होना पोस्टर लगने अंग फाड़ के खिलारी जाने एक केस आ जिहदे च हुण गिरफ्तारियां हो के जेल भेज दिता दूसरी जिहड़ा स्पैशल इन्वेस्टिगेशन टीम ADGP दे अंडर बनी हुई आ जिहदे च दो IG ने ते दो SSP रैंक दे होर अफसर ने वह जिहड़े ने उहदे विच पुलिस अफसरां दी ते कुछ होर गिरफ्तारियां होईयां ने मतलब जे प्रोपर लोग जो चाहते ने जे वह कैप्टन अमरिंदर सिंह कर गया तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने उत्ते लगे हुए दा जिहड़े धब्बे ने मतलब उन्हां दागां नूं धोण की कोशिश जिहड़ी आ वह कर रहा उस शायद कामयाब हो जाए पर जेकर अपने मुकाम ते इहदे ते कामयाब ना होया तो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी उही असर कांग्रेस का होएगा जो 2017 दे विच अकाली दल का पंजाब च होया सी फिर कैप्टन साहब जिहड़ा देखो जिहड़ा भावें रिकॉर्ड तोड़ मुआवजे दे दिते बरगाड़ी साहब दे विच जो लोग जां जिहड़ा बैबल कलां गोलीकांड च जो लोग मारे गए सी रिकॉर्ड तोड़ मुआवजा हुण तक इन्ना किसे नूं नहीं दित्ता गया जिहड़ा जख्मी है उहदी केयर टेक वास्ते भी बंदा रखिया गया पर की लगता है कि लोगों नूं रंज भुल जाएगा जां कैप्टन साहब का जोड़ा वादा किया सी उन्हूं लोग एप्रीशिएट करनगे जे वह हुण ये तो कह ही रहे हैं कि बादल इहदे विच जिम्मेवार नहीं जिहड़े संबंधित अफसर सी जिन्हां ने गोलियां चलाईयां चाहे उसमे सिंह सैणी होवे जिन्हों जमानत जर जमानत मिली जा रही है क्योंकि उहदा भी किला तकड़ा तो की सिर्फ परे परे इदां दा सार के क्योंकि उस केस का गवाह भी है जिहड़ा वह मारिया गया शक्की हालातों जिहड़ा दोष कांगड़ ते ला रहा कांग्रेसी आगू ते ते की इहदा इंसाफ जो कप्तान साहब दवाउण जा रहे हैं लोग सैटिस्फाई हो जाएंगे जे बादल परिवार नूं जां संबंधित पुलिस अफसरां नूं सजावां ना मिली हैं। टवाणा साहब बिल्कुल नहीं होणगे मैं पहला जिहड़ी गल मैं नहीं सी सिद्धी कही वो तुसी कह दित्ती हाँ नहीं जे तरी जे जिन्नी देर तक उस वेले जिहड़ा IG आ उहनूं हुक्म किहने दित्ते आ DGP ने DGP नूं पोलिटिशियनां चों किन्ने किन्ने हुक्म दिते गोली चलाउण दे जिन्नी देर तक उन्हां नूं हथ ना पिया उन्नी देर तक लोकां सैटिस्फाई नहीं होना उन्नी देर तक कैप्टन साहब दे जिहड़े धब्बे लगे हुए ने जिहड़े दाग ने उन्हां उत्ते ओह नहीं धुपणे जिस तरह मैं कहा कि पहला अकाली दल ते लगे सी ओही कुछ कैप्टन साहब ते लग चुके ने कि तुसीं वादा कीता वादा करके निभाया नहीं दोनों पार्टियां बराबर जे ने खैर तीसरा रलिया कम गलिया इन्हां तिन्हां दा तां कम गलिया पंजाब दा शायद कुछ सुधर जाए भगवंत मान होर ने एक होर आर्टिस्ट है जी गगन अनमोल सिंगर है यूथ दे विच नौजवानों च काफ़ी नाँ है उस कुड़ी का उन्हें पार्टी शामिल किया आउंदे ही उसने भी भगवंत मान वांगू जिहड़ा काफ़ी तिखी बयानबाजी की है जिहड़ी पसंद की गई लोगों वालों आम आदमी पार्टी ये सारे सरकमसटांस कित्थे खड़दी कुछ पॉजिटिव हो रहा उन्हां दा जां नवजोत सिंह सिद्धू होरां दा
नहीं टवाणा साहब मैनू अजे तक देखो नवजोत सिंह सिद्धू घर के बनता मैनू अजे तक वह कुछ बहुत कुछ नहीं दिखिया ठीक है करतारपुर कोरीडोर जोड़ा क्रेडिट उन्होंने खड़ी है पब्लिक उत्थी खड़ी है लेकिन उन्होंने बाहर निकलना पेगा घर बैठ के गुडविल नहीं बननी वो उत्थे दी उत्थे खड़ी रहनी आ गलत आ भी उहदे अलावा होर किन्ने इशू ने जिहड़े नवें अरेंज हो रहे हैं जे नवें इशू खड़े हो गए तो वह इशू लोगों ने भुल जाने ने जितों तक आम आदमी पार्टी का सवाल आम आदमी पार्टी ने तो गुरप्रीत सिंह घुग्गी भी लिया उन्होंने तो जस्सी जसराज भी लिया ठीक है इदा अकाली दल ने हंसराज हंस भी लिया बेचारा मुड़ के अकाली कांग्रेस च आया कांग्रेस ने टिकट ना दी शमशेर सिंह दुल्लो दी लै गया बेचारे ने भाजपा की जाके दिल्ली तो लड़के उन्हें इलैक्शन जीती है मतलब कोई जरूरी नहीं है जेड़े भी ये कलाकार जां होर सैलीब्रिटी आउंदे ने जरूरी नहीं कि वह कामयाब होण ठीक है भगवंत मान कामयाब हो गया होर भी बड़े उठ रहे ने होर अज एक थोड़ा जिहा पॉजिटिव तां होया ना ग्लूकोज़ दी बोतल तां लगी है पार्टी नूं थोड़ा नहीं मैं इन्ने नाल नहीं टवाणा साहब अजे नहीं कह सकते मैं पोलीटिकली अजे नहीं कह सकते कि ग्लूकोज़ लग्या ग्लूकोज़ दे नाल कई बार वैसे ही लगता हुंदा पर यह नहीं पता हुंदा कदों मूंह दे मूंह जिहड़ा जा डिगणा वा मूंह दे मूंह पता नहीं कदों डिग जाणा यह नहीं अजे कह सकते हाँ इन्ना जरूर आ कि आम आदमी पार्टी उठण दी कोशिश कर रही आ पर हुण गल तां इह आ कि पब्लिक से गल भी जाएगी पब्लिक से गल कि जाएगी कि लोग तुहाडा 2014 तो 17 वाला तो 17 तो लैके 20 तक का यह दो अलग अलग कैटागरिया ने जिदे च किन्नी जनता तुहानू छड के चली गई आ किन्ने लीडर छड के चले गए उहदे जवाब तुहानू देने पैणगे जे उह नहीं दोगे तो लोगों नहीं भुलना जी जिस तरीके दे नाल पटियाले च होया पटियाले च जिहड़ा पहला कैंडीडेट सी वह कैंडीडेट फिर भी 1.5 लाख तो उपर लै गया जिहड़ा तुहाडा सी वह 45-50 हज़ार ते आके रुक गया किते ना किते सवाल तां खड़े होणगे जी होर बहुत सारे सवाल अकाली दल दे आ जिहड़ा डैमेज कई पासों हो रहा देखो अकाली दल जिहड़ा धार्मिक संस्था या सियासी संस्था एस सी पी सी नूं भी रन कर रहा है एस सी पी सी बेहतर तरीके नाल नहीं चलती जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब दे काफ़ी सरूप सी जिहड़े खुरद बुरद होए ने उस मामले च अकाल तख्त दी तरफों जिहड़ा हैगा एस सी पी सी की तरफों जो संबंधित छपाई विभाग से उसका रिकॉर्ड सील करवा दिता गया दूसरा जोड़ा वाला मसला इस मामले बनता आप पहला भी जोड़ा चर्चा की कि ना भूखे भगती की जाए माला अपनी ली जाए एस सी पी सी तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि एस सी पी सी काम करते बंद उन्होंने मेहनताना नहीं मिल रहा आप एक वक्फा लें वक्फे तो बाद बड़े चर्चित विषयों पर गल करा इस सुरेंद्र सिंह जी एक ब्रेक तो बाद अकाल चैनल के सत्कार्य दर्शकों का प्रोग्राम सच का सामना दे परमिंदर सिंह टिवाणा वालों स्वागत है ते नाल नाल स्वागत है राजनीतिक मामलों के माहर ते वकालत नाल वावस्ता सौ सुरेंद्र सिंह जी आप जी का आप ब्रेक ते जाण तो पहला गल कर रहे थे कि मेहनताना किसी भी मेहनत कश वास्ते बहुत जरूरी है तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एजुकेशन से बड़ा अच्छा काम कर रही है यूनिवर्सिटियां हॉस्पिटल चला रही है तो जिहड़ा करोना के कारण हालात विगड़े ने वड्डियां वड्डियां संस्थावां ने डगमगा गई ने 20,000 पत्रकार वेले हो गए ने हर बंदे ते असर है एस जी पी सी दी गोलक भी घटी है खर्चे भी वधे ने फ्रूट फ्राड भी काफ़ी खरीदे है तो इस दौरान जिहड़ा एस जी पी सी दे मुलाजम ने खास करके एजुकेशन से जो काम करते हैं क्योंकि एजुकेशन के काम बहुत जरूरी है जिवें भाई गुरदास का वाक है कि जैसे सात मंदिर कंचन के उसार दीने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा पर जिहड़े व्यक्ति शब्द सिखाते हैं एजुकेशन देंदे ने उन्होंने मेहनताना नहीं मिल रहा 18-18 महीने हो गए तनखा नहीं मिली कितों सरवाइव करेगा बंदा दिल्ली कमेटी का भी यही हाल है पंजाब वाले का भी कहते हालात माड़े ने की लगता है टवाणा साहब वड्डी गल तो यह है कि आपां इस ते पहला भी प्रोग्राम किया डे बाय डे की हो रहा कि जिहड़ा उत्थे मौजूदा जिहड़े मुलाजम बैठे ने एस जी पी सी के उपर मैं कह दाँगा जिहड़े सैकटरी लैवल तो एडिशनल सैकटरी लैवल के बैठे चाहे उन्होंने मुख्य सकत्र भी आ ना तो श्रोमणी कमेटी के प्रधान ना बाकी अहदेदारां नूं किसी कोई राह ही नहीं दे रहे किन्नियां लगातार मीटिंगां हो चुकिया ने छुट्टी छट्टी लै जांदे जां टल जांदे मैं दसदा हुण मुख्य सकत्र जिहड़ा 40 दिन की छुट्टी लैके निकल गया 5 जून की लास्ट मीटिंग हुई सी उस तो जिहड़ी पहलियां दो मीटिंगां होईयां सी उहदे च असीं कि 26 करोड़ रुपया इन्ना 135 इंस्टीट्यूशन ने कुल मिला के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जिदे विच्चों तकरीबन 4 ने जिहड़े इंडिपेंडेंट अपने गुजारे ते चल रहे ने जिहड़े बाकी आ वह बेचारियां कोले 5 महीने 8 महीने ते कुछ दी ते अज जिहड़ी लेटेस्ट आई है कि 2 कॉलेज ऐसे आ जिन्हां कोल जनवरी 2019 तो लैके अज तक की तनखा ही नहीं दिती गई
यानी कि 18 महीने तो उपर हो चुके उन्होंने एक पटियाले आकड़ी कॉलेज हैं इतने एक जड़ा वा वह उत्तर गुरु नानक कॉलेज बटाला दोनों जिन्होंने 18 महीने तो नहीं 19वां महीना स्टार्ट हो गया जिन्होंने तुम 18 महीने तो तनखा नहीं दिती उन्होंने तो पालते की हो फिर की है कि उत्ते की करते कि पहला इन्होंने कहा कि 26 करोड़ इन्हों का बनता 26 करोड़ के 6 करोड़ छड दो वह तुम करोना के नाँ पर एच जी पी सी दान कर दो ते बाकी 20 करोड़ लिजा के वंड लो वो डायरेक्टोरेट जी एच जी पी सी एजुकेशन संबंधित है उन्होंने यस करती जो कॉलेजों के प्रिंसीपल तो बाकी स्टाफ नहीं मनिया अखीर दोबारा मीटिंग हुई 5 हो गई कि 4.5 करोड़ दे दो बाकी तमाही तमाही च करके इन्हों का नबेड़ देंगे लेकिन वह भी अज तक एक पैसा ना जारी किया गया हूँ अज कल मीटिंग हुई कुछ अज हुई अज जी मीटिंग हो रही है वो टवाणा साहब वड्डी गल ये कि जेड़िया का एच जी पी सी नालों कहिंदे साडा कोई लैण देण नहीं असीं पोलीटिकल पार्टी हाँ उहदे विच प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा उन्होंने डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा उन्होंने महेशिंदर सिंह गरेवाल लुधियाने तो उन्होंने जथेदार तोता सिंह चलो तोता सिंह तो एच जी पी सी का मैंबर भी आ ये सारे इकट्ठे हुए हैं गुरद्वारा आलमगीर दे विच मीटिंग हो रही है इसे दे लई कि की कीता जावे कि उत्थे आ कुछ कॉलेज जिहड़े इमर्ज करनगे बाकी कॉलेजों के इमर्ज तो करोंगे पहला खोले क्यों 15-15 किलोमीटर तक खोलते उदो जे एच जी पी सी के मैंबर से जहदेदार से उन्होंने किसी का भतीजा किसी का पुत किसी का भाणजा वो लाने लिए खोल दते वैसे हूँ तो एजुकेशन संस्थावान का वैसे भी बच्चे बाहर जा रहे हैं बड़िया बड़िया संस्थावान पंजाबी यूनिवर्सिटी वेख लो पंजाब यूनिवर्सिटी वेख लो बड़िया बड़िया यूनिवर्सिटिया का जो है हालात बिगड़ गए मैं तुम्हारा सब उत्थे आने लगा भी जो तुम इन्ना कुछ कर लिया उन्होंने घट्टो घट जागत मुक्त पिछली तनखा जी दे के हाँ, तोड़ दौ वो तो देनी बनती उत्थे की है कि जेडे उत्ते सैकटरी लैवल के अधिकारी बैठे ने वो की कहिंदे आ वो कहिंदे आ जी भी साढ़े को एजुकेशन लिए सिर्फ 5% टोटल बजट का असी 5% तो वध नहीं दे सकते वो भले मानसो इतने तो 5% नहीं दे सकते जो 350 साल आनंदपुर साहब का मनाया उदो दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि सेवा सानू दे दियो इतने वाइट पेंट करन दी उन्हें सेवा ले ली नाल उन्हां कोलों इन्हां तो माया भी ले ली माया लैके जो बाद आई गल भी वो माया खर्च हो गई बा पहला उधार ही लै बाद कहिंदे जी ये सानू दान के तौर पर दे दो बाद विच ओह दान दे तौर ते जे तुसी करोड़ा रुपया दिल्ली कमेटी नूं केवल ते केवल पेंट करन दे लई जिहड़ा ओह दान च दे सकदे हो ते फिर जिहड़े तुहाडे अपने इंस्टीट्यूशन आ उहनां दे जिहड़े मुलाजम ने ओह ते प्रिंसीपल आ प्रोफेसर ने बाकी तां बड़ा सत्कारयोग उहनां दा स्टाफ आ तुहाडे कोल जिहड़ा ओह रख्या होया तुसी उहनां दी तनखाह नहीं दे सकदे ते होर की करोगे किते ना किते नलायकियां तां हैगियां अज इह जिहड़े हुण देखो गल तां श्रोमणी गुरद्वारा पर देखो जिहड़े होर खर्चे कीते जांदे ने डेकोरेशन दे आतिशबाजी ते ओह बंद कर देने चाहिए ने क्योंकि सिक्ख्या ते तां असीं तां शब्द गुरु दे वारस हाँ सिक्ख्या ते तां सानूं बहुत जरूरत है काम करन दी बच्चों एजुकेट करिए पर लोग ये चाहते नहीं ना सरकारां चाहुंदियां ना इस तरह दी संस्थावां चाहुंदियां कि कोई पढ़े टवाणा साहब वड्डी गल तां ये सी कि एच जी पी सी ने अज तक सिविल सर्विस दे लई कोई इंस्टीट्यूशन खोलिया ही नहीं जिते तुसीं सिविल सर्विस दी जिहड़े गुरसिख सी उहनां नूं ट्रेनिंग दे दिंदे कि तां कि उत्थों ट्रेनिंग लै के सिविल सर्विस दे विच उहनां दी सिलेक्शन हो जांदी चाहे वह स्टेट दे विच सी चाहे वह UPSC च सी उहदे लई तां अज तक एच जी पी सी ने आई वार बयान आ जांदा बयान दा की करना कि अकाली दल का उत्थे हालात की है कि अकाली दल को कमांड आ जिहड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान आ मैं 1996 तक देखा टौड़ा साहब की चलती सी 1996 तो बाद टौड़ा साहब जिहड़े वो कल्ले रह गए बाकी अहुदेदार जिहड़े इधरों नियुक्त हुंदे सी उस तो बाद हुण तक जिन्ने प्रधान आए किसी के पल्ले भी कुछ नहीं सारा कुछ जो कुछ उत्तों आदेश आउंदा ते उत्तों जदों आदेश आउंदे आ वह मन्ने नहीं जांदे हुण उत्थे जिहड़ा इहदा नुकसान तो बहुत झलणा क्योंकि किन्ने प्रोफेसर ने अगों उहनां दे टब्बर ने ते जदों मीडिया गल करदा है बदनामी तो होंगी है कि यार काम करा के पैसे नहीं दे रहे ये तो उदो भी माड़ा टवाणा साहब ये वड्डी गल की है कि जिहड़ा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का हैड ऑफिस अमृतसर च है उत्थे माझा वर्सिज दुआबा ते मालवा होई होई आ ओके जिहड़े उत्थे मुलाजम ने उन्हां च इही टसल आ कि जे कुछ देना ते ओह माझे नूं देना बाकी मालवे ते दुआबे नूं देना ही नहीं है जे अच्छा प्रधान आई वार मालवे का बनता जेडे उत्थे जी ये माझा वर्सिज दुआबा मालवा होई हुई है बड़ी खतरनाक आ ते पोलीटिशियनां ने कदी भी इहनूं नबेड़न की कोशिश नहीं की आई वार कलेश ते कलेश जे नबेड़न की गल की होंगी तो आनंदपुर साहब जिहड़ा लॉकडाउन च ना लंगर लाया ना कुछ होया तो सब्जी के बिल पै गया जो कुछ मुक्तसर साहब च होया जो कुछ फरीदकोट च होया सारा कुछ अपने सामने आ ये कुछ ना होंदा
पर देखो ये हुण रौला पै रहा हुण जिहड़े अकालियां तो वख होए लोग ने सुखदेव सिंह ढींड साहब होरां ने दल अपना बना के ऐलान कर दिता, सेवा सिंह सेखवां आ गए, ब्रह्मपुरा साहब इस मामले साइलेंट ने, बीमार ने, ये जिहड़ा नवां दल बनया की कोई रिफॉर्म्स लियाएगा जां इस दल का की वजूद रहेगा? टमाणा साहब दल अपने सिर ते नहीं बनया, दल तो बीजेपी के इशारे ते बनया, कांग्रेस दा भी है नहीं मैनू कांग्रेस का है कांग्रेस वाले छड़ के इधर आ गए ना नहीं चलो वो छड़ के आ गए वो वक्री गल जिहड़े कांग्रेस नू छड़ के आए वो पहला अकाली पाएगा बादल परिवार नू कि नहीं नहीं अजे मैनू एडा नहीं देखता मैं देखो ठीक है मैं सोचे छड़ने वो वक्री गल अजे तक मैनू डेंट नहीं देख रहा मैं पहला भी कहा असल अकाली दल उ ठीक है मौके पर वोट कर लगा पंजाबी सोचेगा कि साड़ी एक रीजनल पार्टी होनी चाहिए आ हाँ जे बीजेपी उन्होंने तोड़ विछोड़ा कर गई दो गल्लां ने टवाणा साहब मैं पहला भी कहिंदा सी जिस तरह दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की इलैक्शन जी मार्च की डिकलेयर करती है कि मार्च च होएगी जेकर 2021 अगस्त च श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी चोण करा दी गई तो चोण जी तो जोड़ा इस वे मौजूदा धड़ा वो बहर हो गया ते बीजेपी जेड़ी है वो आके इस धड़े ना खड़ बदल है मतलब फिर पद्मश्री अवार्ड भी देता हाँ फिर कोई ना कोई वे आउट निकलेगा अदरवाइज कुछ दो धड़े हो गए हाँ बिल्कुल बिल्कुल पंजाब च पंजाबियों दी सिखां दी उधर जेडे दो धड़े कांग्रेस भी हो पए ने जांदे जांदे राजस्थान दे विच सचिन पायलट विदाउट पायलट हो गया जी सीट यह की है संखेप च राजस्थान की सियासत क्योंकि बीजेपी मारो मार करती वही जा रही है कांग्रेस लड़ रही है टवाणा साहब जिस तरह असं पहला स्टेट की गल की कि रीजनल पार्टी तो बगैर स्टेट नहीं बचती उ नैशनल लैवल से आपोजिशन का होना जरूरी सी पर बदकिस्मती आपोजिशन आपोजिशन रही नहीं वो माँ पुत दे ते भैन दे कलेश दे विच ही सारा कुछ मलियामेट कर लिया ताप्रिजेशन हो गई हाँ मतलब यह है कि उत्थे नवी पीढ़ी की पंजाब च भी नहीं सुनी गई जिहड़ा पार्टी प्रधान सी उहदे ग्रुप की पंजाब च भी नहीं सुनी गई उहदी राजस्थान च भी नहीं सुनी गई उहदी मध्य प्रदेश च भी नहीं सुनी गई उहदे ग्रुप की हरियाणे च भी नहीं सुनी गई यह हालात बने ने अशोक तंवर का की होया खुडे लैन लाता दोबारा हुडे नूं देनी पैगी कमांड यही कुछ इत्थे सी इत्थे भी कैप्टन साहब नूं देनी पैगी उधर कमलनाथ नूं ते अशोक गहलोत नूं देनी पैगी जानी कि जिहड़ी पुरानी लीडरशिप आ उह अजे भी अपना गलबा नहीं छड्डना चाहती हुण सचिन पायलट जिहड़ा उहने जो मर्जी कहो जिस तरह मध्य प्रदेश की जिहड़ी वागडोर आ उह कांग्रेस तो खुस चुकी आ इह समझ के चलो कि राजस्थान की वागडोर कांग्रेस तो खुस चुकी आ ਹੁਣ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਹ ਕੁਛ ਮਿਲ ਗਿਆ 35 'ਚ ਆਹ ਮਿਲ ਗਿਆ 40 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 18 MLA ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣੀ ਤੈਅ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਆ ਉਹਨੇ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਮਲਨਾਥ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਟਵਾਣਾ ਸਭ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਰਹੀ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਬਲਿਕ ਉਦੋਂ ਸੇਫ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਅਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁੱਕਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਬਚਦੀ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਲੀਆਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਚਿਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਾਂ ਆ ਬਾਬਾ ਰਾਹੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ ਨਿਆਣਿਆਂ ਹੱਥ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਬੱਤੀਓ ਤੇਤੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੇਮਾ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੜਪੈਂਚੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਖੜੱਪਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗੀ ਖਲਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੋ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਲਾਰਾ ਸਮੇਟੀਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ
इत्थे ही आ गया चाहांगा। धन्यवाद, सत श्री अकाल।